भारत में आज भी सदियों पुराने रीति रिवाजों को माना जाता है और इनके नाम पर महिलाओं पर अत्याचार होता है। देश में महिलाओं की स्थिति कुछ खास नहीं सुधरी है। शहरी इलाकों को अगर छोड़ दें तो देश के ग्रामीण इलाकों में आज भी पुरानी बंदिशों में बंधी हैं। खासकर आदिवासी इलाकों में महिलाओं की हालत बहुत ही दयनीय है, जिसका उदाहरण आपको महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में देखने को मिल जाएगा, जहां कुरीतियों की बदौलत आज भी मासिक धर्म यानी पीरियड, जिससे इस धरती पर हर महिला को गुजरना होता है, के दौरान महिलाओं को घर से निर्वासित कर दिया जाता है। महिलाओं को अपने घरों को छोड़कर गांव की सीमा से दूर जंगल के पास टूटी फूटी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। पीरियड के दौरान महिलाओं को अपवित्र माना जाता है और ऐसे में उनको गांव से बाहर भेज दिया जाता है। इस दौरान महिलाओं का गांव में प्रवेश वर्जित है। महिलाएं जंगल में टूटी फूटी झोपड़ियों में रहती हैं, जिसे आदिवासियों की भाषा में कुर्मा घर या कोगोर कहा जाता है। पीरियड के दौरान महिलाओं से पुरुष भी दूरी बना लेते हैं और अगर पुरुष ने मासिक धर्म वाली महिला को छू भी लिया तो उसे तुरंत नहाना होता है। खाने पीने के लिए इन महिलाओं को घर की दूसरी महिलाओं पर आश्रित रहना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि कुर्मा घर काला पानी से कम नहीं होते। काला पानी की जितनी भयावह और तकलीफ देह सजा होती थी, उससे भी ज्यादा कष्ट इन झोपड़ियों में रहने पर होता है। कुर्मा घरों में ना खाने पीने की व्यवस्था होती है और ना सोने का इंतजाम। कई बार जंगली जानवर तक इनके अंदर घुस जाते हैं। बताया जाता है कि इन झोपड़ियों में रहते हुए कई महिलाएं सांप के काटने से अपनी जिंदगी खो चुकी हैं। कहा जाता है कि पीरियड्स हट्स भी एक जहन्नम की तरह होता है, जहां कोई महिला नहीं जाना चाहती, मगर सदियों से चली आ रही पुराने रीति रिवाजों के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार होता आ रहा है। हालांकि अब इन महिलाओं की मदद के लिए एनजीओ आगे आए हैं। महिलाओं को इस नर्क भरी झोपड़ी से निकालने के लिए कई एनजीओ मदद कर रहे हैं। इन महिलाओं के लिए एक आरामदायक और जरूरी सुविधाओं से युक्त छोटी छोटी बांस की झोपड़ियां बनवाई जा रही हैं, ताकि पीरियड्स हट्स के दौरान महिलाओं को परेशानी ना हो। ये पहले से काफी सुविधाजनक व कई गुना बेहतर है और महिलाएं इसको पसंद भी कर रही हैं।